लक्ष्य पाखरे आदित्य एलवान। गोटे खुशी खबर आसुची इसरो तरफ जो खुशी खबर दि जाइए जे 6 तारीख आसंता जानुरी 6 तारीख गंतव्य स्थल लांग्राजन पॉइंट एलवान रे आदित्य पहुंचिबो आदित्य एलवान। तबे यार धार्य होना समय तबे देशर प्रथम सोलार मिशन नहीं भारतीय महाकाश अनुसंधान संस्था इसरो अध्यक्ष ए सूचना देते एलवान पॉइंट में पहुंचा पर आदित्य एलवान रो इंजन को आउ थे फायर कर जहाँफल आगक गति नक सेठे स्थिर एलवान पॉइंट रो चतुर्पार्श्वर घूर्णन करोमनाथ। भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरोर आदित्य एलवान को नहीं बड़ गवेषणा चली। आदित्य एलवान आसंता 5 वर्ष सूर्य घटुवा विभिन्न घटना बाबद गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान कर केवल भारत नुहे बरम समग्र विश्वपाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सूर्यर पर्यवेक्षण पर भारत प्रथम सूर्य मिशन आदित्य एलवान सेप्टेम्बर 2 तारीख लंच होता है। महाकाश जान सूर्यर विभिन्न अध्ययन पर 7 भिन्न भिन्न पेलोड रही 4 पेलोड सूर्यकिरण अध्ययन करेंगे और बाकी 3 पेलोड सेठाकर प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड संपर्क में अध्ययन करेंगे। आदित्य एलवान का एलवान पॉइंट इंसर्शन होगा January 6 में, टाइम तो आप नहीं बता सकता। सो ये इवेंट तो भी हम ट्रांसमिट करेंगे हमारा वेबसाइट पे YouTube से सभी देखिएगा January 6। भारतर अति गुरुत्वपूर्ण सोलार मिशन जहाँकि आसंता 6 तारीख लांग्राजन पॉइंट प्रे पहुँचा नहीं इसरो पक्षर सूचना दि जाए किंतु समधार्य होना किंतु आदित्य एलवान रो मिशन एवं लक्ष्य अनेक परिमाण में गुरुत्व बहन करुच्छे कारण समग्र विश्वपाई अति गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान कर आसंता 5 वर्ष पर्यंत आदित्य एलवान सूर्य चारिपाखे बुली गवेषणा कर। डॉक्टर शरद दास इसरो वैज्ञानिक आम सहित अच्छा अधिक आलोचना करवा। डॉक्टर शरद दास स्वागत करुच्छे आलोचना को। गोटे नुआ तारीख मध्य घोषणा होती आदित्य एलवान संपर्क एवं इसरोर परवर्त लक्ष्य विषय आपको जानवाक चाहिए। अज्ञा देखो आप सब जानते बर्तमान आदित्य एलवान लक्ष्य पथे आगे जातमान से पखापाखी आम जो 15 लक्ष किलोमीटर डिस्टेंस एलवान पॉइंट अच्छी लांग्राजन 1 पॉइंट अच्छी पखापाखी पहुंची गला कि चैलेंजिंग हूँ से पॉइंट रे पहुंची से स्थिर रही से गोटे एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं बुल जोटा कि मानने सूर्य आड़ मुह कर गोटे से गतिशील रही आम एटा हालो ऑर्बिट से हालो ऑर्बिट रे पहुंची करी ताकू बर्तन आमर मेन चैलेंज होची से जो एलवान पॉइंट रे पहुंचला परे ता गति को कंट्रोल करी ताकू पुन सर्कुलर ऑर्बिट दबार अछि तेनु बर्तमान सेटा हो चैलेंजिंग पॉइंट जेंते आमर चंद्रयान 1 रो चंद्रयान 3 रो आमर लैंडिंग जेनि वर चैलेंज थिला एथि ताकू एलवान ऑर्बिट हालो ऑर्बिट रे कंट्रोल करी कि ताकू पुन गोटे गति पथ दबा पई सेरा गोटे चैलेंजिंग थिंग तार टाइमिंग डिसाइड हेनी कि 6 तारिख सुता से ही पहुंचिबो। सर यहार परवर्ती कार्य कोन होई पारे परवर्ती देखंतु से हूँ कौन ना बर्तमान आम एलवान पॉइंट रे पहुंचला तार गति को कंट्रोल करा जीवो से बर्तमान जो स्पीड रे ताकु कंट्रोल करके गोटे पुणी आउ गोटे लिफ्ट कर दबू जो सूर्य आड़ को मुह कर संपूर्ण से बुल 5 वर्ष तेणु से कौन हूँ ना सूर्य जो आम जो डायनामिक चेंज हूँ आज कल बहुत बहुत चेंज हूँ तेनाली आम इन सीटू इनफर्मेशन आसपार सूर्य कोरोनल मास इंजेक्शन जो हूँ सूर्य जो आम जो रेडिएशन गुडाक आसार जो तार क्रोमाटोस्फीयर तार जो टेम्परेचर डायनामिक्स अच्छी जिस स्टडी कर गेट र डाटा मैंने आम आग जो डिपेंड करूँ नासा उपर डिपेंड करूँ बर्तमान आमको सूर्य जहाँ भी डायनामिक्स चेंज होमको र डाटा मिल डायरेक्ट मिल आम क्या डिपेंडेंट हवानी। ये संपूर्ण मिशन सर 6 तारीख परवर्ती पर्याय आरंभ हो हाँ आज्ञा निश्चित रूप बर्तमान आम तो बर्तमान से गति इट इज मूविंग टुवर्ड्स एलवान तेना 6 तारीख पर बर्तमान से ताको से ऑर्बिट रे स्थापित हो गले तेणु तार मान आम जो सब पेलोड अच्छी से पेलोड गुड़ाक तार मुह रही सूर्य आड़ को तेनाली जो 5 टी 6 टी पेलोड कार्यक्रम से दिन तो स्टार्ट हम सूर्य जो डायनामिक्स गुड़ाक डाटा सब ग्रहण करेंगे आउ आम पृथ्वी को पठेबे आम एनालाइज करो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन सन आज सन कोरोनल मास इंजेक्शन के पार्टिकल बाहर मानते सूर्य तार जिन तार कौन डायनामिक चेंज टेम्परेचर चेंज आम सब जानपरिया।
तो निहाती आसंता 6 तारीख को अपेक्षा लाग्रांज्यान पॉइंट वन रे मध्य आदित्य एल1 पहुंचिबो एवं सेठारे परवर्ती समय रे मध्य इसरो ताकु स्थापन करी आसंता 5 वर्ष इसरो पई गुरुत्वपूर्ण कारण भारतर प्रथम सोलार मिशन हेउची आदित्य एल1 मिशन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित रहितबारु। डॉक्टर शरद दास इसरो वैज्ञानिक अधिक आलोचना करथिला आम सहित।